टैक्स यून एन में आपका स्वागत है मैं हूं सी ए साहल राखीजा और हम बात करने वाले हैं एक नए सर्कुलर की सर्कुलर नंबर तेरह बटे दो हज़ार इक्कीस जो इनकम टैक्स का एक प्रोविज़न है वन नाइन्टी फोर क्यू जो एक जुलाई दो हज़ार इक्कीस से लागू हुआ है उस पर इंडस्ट्री को डाउट्स थे उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन उन्होंने इशू किए हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन इंडस्ट्री चाहती थी उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया है होप सो so, आगे किसी सर्कुलर में आता है मैं एक छोटा सा और आखिरी पॉइंट लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं बात करना चाह रहा हूँ इस सर्कुलर के आखिरी पैरा की जिसमें उन्होंने बात की है कि जब 194 क्यू और सेक्शन 206 सी दोनों ही साथ में एप्लीकेबल हो रहे हैं यानी कि सेलर और बायर दोनों का टर्न जो है वो दस करोड़ से ऊपर है और पचास लाख का उनका करंट ईयर में ट्रांजेक्शन हो चुका है और अब पॉइंट वन परसेंट की जिम्मेदारी टीडीएस कलेक्ट करना या टीसीएस कलेक्ट करना कि किसकी हो रही है सेलर की हो रही है या बायर की हो रही है पॉइंट वन परसेंट कौन जमा करेगा सरकार के पास क्वेश्चन ये था और ये क्वेश्चन का सलूशन मैं ऑलरेडी uh, अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ लेकिन इस सर्कुलर के बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है यूजुअली जो था वो बायर की जिम्मेदारी थी मैंने वीडियो की लिंक जो है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने यही बताया था इनफैक्ट पहली लाइन जो है इस सर्कुलर की वो इस पैर की वो यही बोलती है वो यही बताती है कि बायर की जिम्मेदारी है और सेलर को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है कि सेलर को टी नहीं का कर अलग करना है अगर बायर जो है वो वो टी डी एस काट रहा है उस ट्रांजेक्शन का बात ठीक है सिंपल है अब बात यहाँ होती है कि इसके आगे जो उन्होंने नई चीज़ बताई है नई चीज़ बोली है वो ये बोली है कि अगर किसी कारणवश सेलर जो है वो टी पहले ही कलेक्ट कर लेता है बायर के डिडक्ट करने से पहले तो फिर बायर को उस ट्रांजैक्शन पे टी नहीं काटना है 194 नाइनटी की जिम्मेदारी बायर से बायर पे नहीं है वेल well, बात बहुत अच्छी है और कुछ इंडस्ट्री में इसका स्वागत भी किया है बेसिकली सेलर जहाँ पे बहुत डोमिनेंट है वो हमेशा और बहुत प्रेशर बना रहा था बायर पे कि तुम मेरा टी नहीं काटोगे और मैं ही तुम्हारा टी सी कलेक्ट करूँगा मुझसे सामान लेना हो तो लो नहीं तो आगे चलो और कुछ कुछ इंडस्ट्री में बायर की मोनोपली रहती है तो बेचारे बायर आ, सेलर की मोनोपली रहती है और बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बट uh, इस सर्कुलर से ये है कि अगर ठीक है सेलर ने टी कलेक्ट कर लिया है तो फिर बायर जो है उसे टी नहीं काटना पड़ेगा तो आगे इनका बीच का जो व्यवहार है धंधा है वो चलता रहेगा हवेवर लीगल एंगल से देखा जाए तो ये पॉइंट सरासर जो लॉ है इनकम टैक्स एक्ट है ये सर्कुलर उसको ओवरलैप कर रहा है यानी कि ये बोल रहा है कि बायर का टी काटने से पहले अगर किसी रीज़न से सेलर जो है वो टी कलेक्ट कर लेता है तो बायर की जिम्मेदारी मुक्त है बहुत सिंपल है बट अगर आप प्रोविज़न प्रॉपर पढ़ें 194Q नाइन्टी और टू ज़ीरो सिक्स तो आपको ये पता चलेगा कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब सेलर अमाउंट रिसीव करता है तभी वो कलेक्ट करने की उसकी जिम्मेदारी आती है बायर की जिम्मेदारी पहले ही आ जाती है वो अपनी बुक्स में जो है इसका रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजेक्शन का या पेमेंट कर रहा है विच एवर इज़ अलियर अब आपको पता है कि बायर का पेमेंट पहले ही होगा सेलर के रिसिप्ट से यानी कि कहने का मतलब है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अगर हम प्रोविजन स्ट्रिक्टली प्रोविजन की बात करें कि कभी सेलर जो है पहले ही काट ले टी ये कभी हो ही नहीं सकता आप बोलोगे एडवांस पेमेंट कर दे बायर तब सेलर लग टी पहले काट ले तब भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सेटल्ड है टी लॉ में आ, कि जो है एडवांस पेमेंट पर भी बायर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जो है टी वो काट ले क्योंकि सिर्फ एक यही प्रोविज़न नहीं है वन क्यू ही नहीं है टी के सालों साल से टी के प्रोविज़न चल रहे हैं 194 सी या 194 आई इससे सरकार से टैक्स पेयर झूझ ही रहा है तो उन्हें पता है कि क्या करना है कहने का मतलब है इम्प्रैक्टिकल फाइनली लोग पूछेंगे करना क्या है अब भले ही से लॉ जो है उसका अपर हैंड होता है इनकम टैक्स एक्ट जो है उसका अपर हैंड होता है और वो बोल देता है ये सरासर इम्प्रैक्टिकल है ये जो नया नया जो पैरा सर्कुलर आया है इम्प्रैक्टिकल है तो वो वाली बात होती है लेकिन अगर, अगर कोर्ट ने डिसीजन कोर्ट ने बहुत सारे कोर्टों ने डिसीजन ये दिया है कि अगर कोई सर्कुलर बेनिफिशियल हो रहा है लोगों को सुविधा पहुँचाया जा रहा है किसी सर्कुलर के द्वारा तब फिर कोई पीनल एक्शन नहीं होगा कहने का मतलब है कि बायर पहले अगर पॉइंट वन परसेंट नहीं काटता और ये सर्कुलर नहीं आता तो उस बायर की और बायर की जिम्मेदारी बन रही थी पॉइंट वन परसेंट काटने की यानी कि वो सारी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा था पिछले साल उसका दस करोड़ का टर्नओवर था और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन ये कि इन दोनों के बीच में 50 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है करंट ईयर में तो ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पे 0.1 परसेंट का टीडीएस काटना था अगर वो नहीं करता था तो जिस पे टीडीएस काटना था वितने वाले परचेस एक्सपेंस का 30 परसेंट डिसअलाउ कर दिया जाता था यानी कि उस पर इनकम टैक्स बन जाता था लोगों का मार्जिन ही तीन चार परसेंट होता है बट थर्टी परसेंट डिसअलाउ करके उस पर इनकम टैक्स लगा देते यानी कि बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी हैवी पेनल्टी ही बोलो हैवी टैक्स लग जाता है लोगों पर उसके साथ पेनल्टी और इंटरेस्ट अलग बट ये बेनिफिशियल सर्कुलर है रिलीफ प्रोवाइड करता है तो डोमिनेंट सेलर जो होते हैं जिनके हाथ में काइंड ऑफ मोनोपली है वो अगर टी कलेक्ट कर रहे हैं तो बायर मुक्त हो रहा है एंड में सिंपल uh, सा यही समरी दूंगा कि अगर सेलर टी कलेक्ट कर रहा है एंड में टी कलेक्ट करके दे रहा है बायर को तो बायर मुक्त है टी काटने से थैंक यू